गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमने आगे के वीडियो में देखा है हमारा चैप्टर नंबर 2 कुसुम नु कठण तप। हमने आगे देखा है अभी तक कि कुसुम जो अपनी बड़ी बहन कुमुद की शादी होने के बाद असंस्कारी युवक के साथ होती है और वो बहुत ही दुखी हो जाती है। वो देख के वो शादी नहीं करने का निर्णय लेती है और उन्होंने जो मालन जैसा जीवन जीने का फैसला किया है उसमें वो आगे बढ़ती है और मालन जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए वो मालन के पास पहुंचती है और उसको ढूंढते ढूंढते उनकी जो काकी है सुंदर गौरी वो उनको ढूंढने के लिए जाती है और जो उनके साथ संवाद होता है और कुसुम और सुंदर गौरी की बात कुसुम नहीं मानती है। तब सुंदर गौरी कहती है कि घर में से किसी वड़ील को बुलाओ और तब कुसुम सुंदर गौरी को कहती है कि तुम्हारे जैसा कोई वड़ील मेरे को धमकाएगा वहाँ तक हमने देखा है, हम अब इससे आगे देखते। ना सुं काकी, एम जानो छो के वड़ील कुसुम ने तमारी पेठे धमकावे। एटले कुसुम एवं कहे छे के शू तमारी जेम मने वड़ील ने तमे बोलावशो तो शू धमकावशे, पण एटलू तो थशे के तारा आ चाळा जोई वड़ील दुखना दरिया में डूबशे। यानी सुंदर गौरी कहती है कि तारा एटले के तेरा इस प्रकार का व्यवहार देख के घर के जो वड़ील है यानी घर के पिताजी वगैरह जो है वो उनको बहुत दुख होगा। मानो काजू बाड़े छे ने दादा नो बाड़, यानी आपका जो ये व्यवहार है वो माँ को भी परेशान करता है और घर के वड़ील उसको भी बहुत दुखी करेगा। जो तो खरी के कोना कोना काजा बाड़े छे। सुंदर गौरी कुसुम को कहती है कि जो तो खरी के कोना कोना काजा बाड़े छे, यानी किस किस के हृदय को आप कितने दुख करते हो। भाईड़ाओ छोकरियों ने भणावे ने आम बगाड़े, ते तारा बाप नहीं जानता पण दादा तो जाने छे। यानी पहले के ज़माने में लड़की लोगों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं थे, लेकिन अब तेरे पिताजी आपको पढ़ा रहे हैं इसीलिए पढ़ाने के बाद आप बिगड़ रहे हो। कहने का मतलब ये है कि भाईड़ाओ छोकरी ने भणावे ने आम बगाड़े, यानी आपको पढ़ाया है इसलिए आप इस प्रकार का काम कर रहे हैं। ते तारा बाप नहीं जानता, यानी आपके पिताजी वो नहीं जानता पण दादा तो जाने छे, लेकिन आपके बुजुर्ग दादाजी तो वो अच्छी तरह से जानते हैं। हाली उंगाड़ी माए पानी रेड़ती हंसती पानी की धार भणीज आँख राखी कुसुम बोली। यानी उन्होंने जो चावल पकाने के लिए रखा था हल्ली, उसको उन्होंने खोला और उसमें थोड़ा पानी रेड़ा और हंसती यानी हंस के उन्होंने कुसुम ने बोला, काकी ये तो भूलिया, दादा तो वड़ी पिताजी जेटलू पण कुसुम ने कहवाना नहीं। यानी जो पिताजी मुझे कुछ कहते लेकिन दादा तो मुझे कुछ कहेंगे नहीं, अने पिताजी नी जोड़े तो बहु बोला ही नहीं। यानी पिताजी के सामने तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ, पण दादाजी ने तो कहवा एटलू कहूँ, लेकिन दादाजी के तो मैं यानी जितना कहना चाहूँ इतना मैं कह सकती हूँ। मोह लंबावी खभा ऊँचा करती सुंदर बोली। यानी सुंदर गौरी बोलती है, तू ते कोई ने गांठवानी नहीं, यानी आप के ऊपर किसी की पाबंदी नहीं, आप किसी का कहना मानोगी नहीं, शू करिए आने थी, यानी आपका क्या किया जाए। पण बोल तो खरी के आ बधुं शू करे छे ने आ वेश शो काढ्यो छे, यानी आप क्या करना चाहते हो, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। मने तो तारी कहीं समझण पड़ती नहीं, यानी मेरे समझ में कुछ आता नहीं है। काकी कोई ने भारे पड़िया विना गरीब थई एकला बावियों पेटे केम रहवाय, आवू केम खवाय ने आवू केम पहेराय ते सीखूँ छू। यानी कुसुम
उनकी काकी को कहती है कि काकी, कोई ने भरे पड़िया बिना, यानी मेरा बोझ किसी को नहीं लगे, वैसा गरीब थई एकला, यानी पुअर रह के, एकला यानी अकेले, बावियो यानी जो मालण जैसा जीवन है, तो इस प्रकार से पेठे यानी इस प्रकार से किस प्रकार से रहा जाता है, किस प्रकार से खाना खा जाता है, किस प्रकार से कपड़े पहने जाते हैं, इसी प्रकार का मैं यानी सीख रही हूँ। उभी थई काकी ना सामी फरती, पहरेला वस्त्रनो झाड़ो पालो हाथ में जाली बतावती, अने आँख वड़े हल्ली बतावती, कुसुम प्रफुल्ल मुखथी बोली, अने अंते जई पामती होय तेम काकीनी आँखों सामू ताकीने जोई रही। यानी वहाँ से उठी और काकी के सामने उन्होंने देखा और पहरेला वस्त्रनो झाड़ो पालो, पालो यानी साड़ी का पालो आप जानते ही है, इस प्रकार से वो हाथ में उन्होंने ले लिया और आँख वड़े हल्ली बतावती, यानी मैं जो काम कर रही वो सही है, ऐसा वो हंस के यानी उनका विजय प्राप्त हुआ, इस प्रकार से उनकी काकी के सामने वो देखती है। कुसुम तारे करवो हो ते कर, पण आ कहीं सारू करती नथी। काकी उसको कहती है कि कुसुम, तेरे को जो करना है वो करो, लेकिन ये कुछ अच्छा कर रही नहीं है। निश्वास मुकी सुंदर एक झाड़ना ठूठा ऊपर लमणे हाथ मुकी बैठी, अने कुसुमना चूल्हा सामू जोई रही। यानी सुंदर गौरी उनकी काकी उनकी आंटी बहुत प्रयत्न करने के बाद हरी हुई मुद्रा में वो लमणे हाथ यानी एक हाथ चेहरे पे रख के बैठी और जो कुसुम का चूल्हा जल रहा था उसके सामने देखती रही। थोड़ी वारे हल्ली में जोई ऊबी थई बे चार पांदड़ा वीड़ी कुसुम पतराड़ू करवा बैठी। यानी पतराड़ू इसको कहते हैं कि पहले के ज़माने में आज जो हम डिश पेपर डिश लेके खाना खाते हैं, तो पहले के ज़माने में झाड़ के पत्ते को लेते थे और सड़ी के जरिए एक दूसरे को जॉइंट करते थे और एक प्रकार के पत्ते की जो बाज बनाते थे उसको हम पतराड़ू कहेंगे। यानी पत्ते को इकट्ठा करके बनाए जाने वाला खाने का बाज यानी खाने का डिश उसको हम क्या कहेंगे, पतराड़ू। ने तेने सड़ियों ना कटकाती सांधती सांधती बोली, यानी लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा उससे जॉइंट करती है और बोली, काकी आ अन्न खाऊ होय तो चालो, यानी मैंने जो खाना बनाया है वो खाने का है तो चालो, ए पण मिष्ट लागसे, मिष्ट यानी बहुत स्वादिष्ट लगेगा, एथी पण जठराग्नि तृप्त थशे, जठराग्नि यानी खाना, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तृप्त थशे यानी इससे आपकी भूख संतोष होगी। शूँ आम हाथ में जवाने बैठी छे, तारा घरना अन्न जेवुआ अन्न ना होय, अने ए झाड़ू अन्न तारा नाजुक पेट ने नड़ा में कूचसे, ने प्रातः काले औषध खावू पड़शे। यानी सुंदर गौरी कुसुम को समझाती है कि ये घर ये जो खाना तो खा रही है तो हमारे जैसे जो अनाज होता है हमारे घर में, जो अच्छा अनाज होता है, गरीब लोग थोड़ा पुअर लोग जो है वो रिच फैमिली से थोड़ा खराब अनाज यानी वो ज़्यादा पकना नहीं फिर बाद में ज़्यादा पचता नहीं वैसा अनाज खाते हैं, इसको कहते हैं कि झाड़ू अन्न तारा नाजुक पेटने ने नड़ा में खुच से, यानी ज़्यादा डाइजेस्ट होगा नहीं, प्रातः काड़े औषध खाव पड़े, प्रातः काल यानी सुबह आपको दवा लेनी पड़ेगी। काकी आ खिचड़ी खाता तो बे त्रण दिवस थया, यानी ये जो मैं चावल पका रहे हैं वो खाना खाते खाते तो दो तीन दिन हो गए हैं, त्रण दिवस थया खाई छे, दीकरी गजब करियो। यानी सुंदर गौरी आश्चर्यचकित होकर बोलती है कि तीन दिन से खा रही है, आपने तो बहुत गजब किया। छाती ऊपर हाथ मुक्ति सुंदर चप लईने ऊबी थई अने हल्लीने अड़कवा गई, यानी वो चावल पकाया हुआ बर्तन उसको वो पकड़ने गई। हाँ हाँ अड़कसो नहीं नवण माँ छूँ, कुसुम गाजी उठी। यानी कुसुम ने काकी को रोका और कहा,
अड़कसो नहीं, यानी आपको आप उसको टच मत करना, नवण मा छूं। कुसुम गाजी उठी। नवण मा यानी जो स्त्री लोग 5-6 दिन जो पीरियड में रहते हैं उसको नवण कहते हैं। हवे जानियो तारू नवण ने बवण, यानी ऐसे में खाना कोई पकाते नहीं है तो उस टाइप पे यानी वो अछूत हो जाता है। इस प्रकार से हवे जानियो तारू नवण ने बवण, जमनीनो लुगड़ू जमनीनी माटली ने बधु नवण में हसे खरू कनी, यानी मालण के साथ रहती है वो इतना ही स्वच्छ होगा ऐसा काकी बता रही है। तो आ जुओ, पण कालनी माटे धोई सूकी मूकेलू लुगड़ू पेला झाड़नी डाढ़ी ऊपर ने आ हाली तो कुंभारना घरनी नवी छे काकी। यानी कुसुम काकी को बताती है कि ये सूखा हुआ यानी कि धोया हुआ कपड़ा है, और ये जो हल्ली है यानी खिचड़ी पकाने के लिए जो लाई है वो तो कुंभार यानी पोटर के घर से नया लाया हुआ है। आवो तो खरा, जरा चाखो तो खरा, जुओ तो खरा, वारू आम शू गांडा काढ़ो छो, यानी आइए और थोड़ा आप खाइए, ऐसा क्यों करते हो। हाँ हाँ हूँ गांडी ने तू गांडी ते डाई, यानी काकी कहती है हाँ आप मुझे सिखा रहे हो, आप मुझे पागल कह रहे हो, हूँ तो अड़कू छू ने हाली बाली बधू लऊँ छू घर में, तारा माने ने बाप ने दिखाड़वाने। सुंदर अड़कवा गई, कुसुमे तेने अटकावी। यानी सुंदर गौरी कहती है कि मैं तो घर में सब कुछ करती हूँ, ऐसा मैं कुछ पालन करती नहीं हूँ। और सुंदर फिर से उसको टच करने गई, कुसुम ने उसको रोका। जो तारे आ बात एमना थी छानी राखवी हो तो एटलू कबूल कर के आऊ आऊ जे जे धतिंग करे छे तेनी प्रथम मने जाण करवी। यानी दोनों के बीच बात होती है, अगर ये छुपा के रखना है हमारे दोनों की बात तो आपको मेरी एक शर्त कबूल करनी होगी, आप जो जो ये कर रहे हैं उसका यानी वो बात सबसे पहले मेरे को बतानी होगी। ते तमें कबूल करो छो के तुम्हारे ये बात कोई ने कहवी नहीं। यानी कुसुम सुंदर गौरी को कहती है आप कबूल करते हो कि आपको भी यानी ये जो सब देखा है वो किसी को कहना नहीं है। हाँ ने मने अटकावी नहीं। यानी कुसुम कहती है आप मुझे रोक सकते नहीं, ये तो अटकावानू हो त्या अटकावी ही पड़े। यानी सुंदर गौरी कहती है आपको जहाँ रोकना पड़ता है वहाँ रोकना पड़ेगा। ते बढ़ थी के कड़ थी, बढ़ यानी आप ताकत से, कि कड़ थी यानी बुद्धि से, कड़ थी यानी दिमाग से, बापू कड़ थी इटलू ही कबूल तो कर, एट्ले कि बुद्धि थी यानी बढ़ से नहीं नक्की खातरी, यानी दोनों के बीच सहमति होती है। फिर कहते हैं हाँ उनकी जो शर्त है वो दोनों के बीच सहमति होती, हाँ नक्की खातरी जाओ त्यारे कबूल। यानी दोनों एक दूसरे की शर्त को कबूल रखते हैं। त्यारे कहे के आऊ आऊ शू धार्यु छे। अब सुंदर गौरी कुसुम को पूछती है उसकी मन की बात कि आपने क्या क्या सोच के रखा है। तब कुसुम को सुंदर गौरी बताए जुओ गुणियल ना मन में मने बुद्धिधन भाई ने परणावानू छे। गुणियल यानी गुण सुंदरी उसकी माँ, मन में मने बुद्धिधन भाई ने परणावानू छे, यानी बुद्धिधन भाई जो है उसके साथ शादी करनी है, तेनी अपने नाच यानी उसके साथ मैं शादी नहीं करूँगी। बहन ना ससराते मारा वडील, यानी उसकी बहन जो थी कुमुद उसके ससरे के ये साथ उनकी शादी करने के लिए कहा जाता है उसकी भी ना, वो कहती है और उसका रीज़न बताती है कि वो मेरे वडील है, पिताजी ना मन में मने सरस्वती चंद्र ने प्रणावी छी, यानी पिताजी मेरे को सरस्वती चंद्र के साथ यानी उसकी बहन की शादी जिसके साथ हुई थी कुमुद की, वो सरस्वती चंद्र
उनके साथ कुसुम यानी उनकी शादी फिर से करवाना चाहते हैं। यहाँ आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि सरस्वती चंद्र की शादी उनकी बड़ी बहन कुमुद के साथ हो गई थी, लेकिन कुमुद के साथ शादी होने के बाद सरस्वती चंद्र ने गृह त्याग कर दिया था, और फिर बाद में प्रमादधन के साथ उसकी शादी हुई थी, इसलिए कुमुद की शादी फिर से रीमैरिज की तरह प्रमादधन के साथ हुई है। अब सरस्वती चंद्र वापस लौट के आए हैं और उनके पिताजी यानी कुसुम को सरस्वती चंद्र के साथ फिर से शादी करवाना चाहते हैं। तेमापण अपनी ना यानी कुसुम उसमें भी ना कहती है, अने आ चंद्रकांत भाई यानी उसके फ्रेंड चंद्रकांत घर में एक छे यानी उन्होंने एक शादी की है, तेना ऊपर मने बीजी बेसाड़वानी मांगणी तेना भाईए करी छे, यानी चंद्रकांत भाई की जो भाई है उन्होंने कुसुम को मांगा है, लेकिन ते कागड़ पिताजी ऊपर छे तेनी पढ़ना, यानी कुसुम ने उसके बारे में भी ना कहा है। सुंदर अब सुंदर कुसुम को कहती है, बे वातनी ना तो समझाई पण सरस्वती चंद्रनी ना केम कहे छे, यानी दो बात यानी बुद्धिधन भाई और चंद्रकांत भाई के साथ नई शादी करने की बात तो मेरे समझ में आ गई, लेकिन सरस्वती चंद्र के साथ ना क्यों कहती है। कुसुम बे वातनी ना मां छेल्ले सुधी मने मदद आपो तो समझाओ, यानी कुसुम उसकी काकी को कहती है कि ये जो बात है उसमें लास्ट तक आप मुझे हेल्प करोगे तो मैं आपको समझा दी हूँ। पिताजी दादाजी घुणियल जटाशंकर मामा ये बधा ने आ बात में तमारे समझावा, यानी घर के जो वडील है ये सबको आपको समझाना पड़ेगा। सुंदर ते एटली बधी हूँ बंधाऊँ तेने साटे तू केटलू बंधाय छे, यानी इतना काम करवाने के बाद तू कितनी शर्त रखती है। कुसुम सरस्वती चंद्र ने न परणवानू मारू कारण तने बदला में समझाओ, यानी कुसुम कहती है कि सरस्वती चंद्र के साथ शादी नहीं करने का रीज़न मैं आपको इसके बदले में समझाती हूँ। सुंदर ना ते एटला में बदलो न वड़े हूँ बंधाऊँ तेना बदला में तू सरस्वती चंद्र ने परणवाने बंधाय छे। सुंदर कहती है कि हाँ चल इसमें मैं मान लेती हूँ, लेकिन तू सरस्वती चंद्र के साथ शादी करेगी। कुसुम आवड़ी आवड़ी ना, यानी कुसुम उसमें भी ना कहती है। इन्हें आवड़ी उच्चारता हाथ ना चाड़ा कर, इन्हें हाथ के जो संकेत है उससे वो बताती है। सुंदर त्यारे हमारी आवड़ी आवड़ी ना आटली छोकरी मने पटावे छे जमनी जो तो खरी, यानी सुंदर गौरी मालण को कहती है कि इतनी छोटी लड़की मेरे को समझाती है। जमनी कुसुम्बा त्यारे कही दियो ने काकीबा ने मन की बात न कही है, यानी कुसुम की मन की जो बात है अब जो उसके मन में जो विचार है वो अब काकी को कहती है। कुसुम कहती है सुंदर गौरी को, जो तुम्हें आटलू बंधाओ तू हूँ इटलू बंधाऊँ कि सरस्वती चंद्र जड़े ने पोताना विचार फेरवे तो पण तेटलाथी कहीं मारा विचार फेरवाना नथी, यानी सरस्वती चंद्र ने गृह त्याग कर दिया था, फिर बाद में सरस्वती चंद्र अगर वापस आ जाए और उनका विचार शादी करने का फिर से वो सोचे, लेकिन मेरा विचार मैं बदलूँगी नहीं, पण हूँ पूछूँ ये बधा प्रश्नों ना उत्तर आपे, लेकिन मैं उनको प्रश्न कहूँगी और ये सारे प्रश्न का उत्तर यानी आंसर देंगे, अने तेथी मारा मनन समाधान थाय ने मारा विचार फरे ने तेमनो ने मारो बहनो विचार एक थाय तो पछी हूँ मने ठीक लागे तो विचार करूँ, यानी सरस्वती चंद्र के साथ वो क्वेश्चन यानी संवाद करेगी और उसके मन के विचार अगर सरस्वती मन के विचार सरस्वती चंद्र के विचार के साथ अगर सहमत हो तो शादी करने के लिए वो सोच सकती है। तो हूँ विचार करूँ ते विचार करूँ हाँ विचार करूँ बीजू कहीं अत्यारथी बंधाऊँ नहीं, यानी वो तो सिर्फ सोच सकती हूँ अभी फिक्स मैं कह सकती नहीं हूँ।
सुंदर आ जो ने आनु आम थाय तेनु तेम थाय पेलानु पेलू थाय तो पछी मारा कुसुमबेन शू करे विचार करे बीजू काई न करे पण विचार करे जाओ अमे तो कहीं बंधाता नथी। यानी सुंदर भी कुसुम की जो शर्त है उसमें वो हाँ कहती नहीं है। कुसुम हूँ तो आ खावा बेसू छू, यानी कुसुम खाने के लिए बैठती है। पतराड़ू तैयार थयू हतु तेमा खिचड़ी लई कुसुम खावा लगी। सुंदर केड़े हाथ दई उभी रही, वड़ी स्मरण स्फूर्ता बोली, कुसुम बीजी वात में बंधावानु पड़तु रह्यू, पण वात कहेवातु बंधाई छे ते तो कहे के सासा धतिंग धारिया छे। यानी वो सुंदर गौरी कुसुम को कहती है कि वो बात तूने जो कही उसमें सहमत नहीं है, लेकिन आगे क्या क्या तुम्हारा प्लान है वो तो बताओ। कुसुम हंसी पड़ी, काकी आ अन्न में एवो नशो छे के सांभरेलू भूली जवाय। यानी ये अन्न इतना स्वादिष्ट है कि मैंने जो कहा है वो मैं भूल गई हूँ। सुंदर ठीक छे त्यारे हूँ भूख थी भूली जाइस, सुंदरे जवा मांडियो, कुसुमे तेने उभी राखी। यानी सुंदर कुसुम की जो बात है वो जानने के लिए उसको रोकती है। कुसुम उभा तो रहो, जरा मस्करी करिए तेमा सो रिसावो छो। यानी कुसुम काकी को कहती है आपकी मैंने जरा भी मस्करी की उसमें आप क्यों यानी मारा विचार धारेला छे ते तू जमनी काकी ने कहे पछी बाकी रहसे ते हूँ कहीश। यानी कुसुम के मन के जो विचार है वो खाना खाना था कुसुम को, इसीलिए जो मालण है जो उसका नाम है जमनी उसको कहने के लिए बताती है उसकी काकी को। सुंदर कहे बापू जमनी तू कहे नहीं कहवानी, यानी उसकी आंटी बताती है कि जमनी ये कुसुम कहने वाली नहीं आप बता दो। जमनी काकी बा बहन ने बावियों ने पेठे रहता सीखू छे, इतले कि कुसुम को जो मालण है जो भिक्षुक लोग रहते हैं जो संसार का त्याग करके वो अकेले रहते हैं इस प्रकार से रहना है। मालण पेठे रहता सीखू छे अने जाणू छे कि अमे बदा रहिए छे तेम एमना थी रहवाय के नहीं। यानी कुसुम को ऐसा सीखना है कि मालण जिस प्रकार से हम यानी जमनी कहती है इसलिए हम जिस प्रकार से रहते हैं उसी प्रकार से वो रह पाती है कि नहीं। सुंदर पछी जमनी हूँ तो आटलू ज जाणू, सुंदर तेमा ते शू वधारे कह्यू, केम कुसुम शू धार्यू छे। यानी जमनी कहती है कि मैं तो इतना ही जानती हूँ। फिर बाद में कुसुम कहती है, कुसुम मोह धोई उठी अने लोहती लोहती आगड़ आवी बोली, काकी लो हूँ ज कहीश मारे जमी लेवू हतु तेमा वार थाय माटे युक्ति करी उतावड़ थी जमी लीधो। यानी कुसुम ने क्या युक्ति की ये हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड। ये चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन का वेटेज है, बोर्ड के एग्ज़ाम में 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है ये पैराग्राफ में आता है। तेमा वार थाय यानी मारे जमी लेवू हतु तेमा वार थाय माटे युक्ति करी उतावड़ थी जमी लीधो। यानी कुसुम को जो बात बतानी थी उनकी आंटी को वो किसके पास कहलाती है, जमनी के पास। क्यों ऐसा करती है, क्योंकि उसको खाना खाना था। हवे सांभळो आ काळमां कुंवारी स्त्रीओने द्रव्य विना खावा पीवानो वांधो पड़े, द्रव्य यानी पैसा, अने मोटा घरना बाळकथी राक लोकनी रहेणी प्रमाणे रहेवाय नहीं। यानी रिच फेमिली वाले जो लोग है वो छोटे लोग जिस प्रकार से रहते हैं पुअर लोग इस प्रकार से रहा जाता नहीं है, एवं तमेज कहू हतु। यहाँ आज हम रुकते हैं, आगे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स।